इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा कांग्रेस के अंदर इस वक्त अजीब से उथल पुथल है। उथल पुथल दो तरीके से है। पहली कि उम्मीदवारों की फहरिस्त बड़ी लंबी होती जा रही है। मैंने आपको कल भी बताया था कि कांग्रेस ने बकायदा इस बार आवेदन के लिए फीस चार्ज की है, अच्छी खासी फीस है। अलग अलग वर्गों के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए अलग है, बाकी सामान्य के लिए अलग है। लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि एक एक सीट पर, यानी 90 सीट के हिसाब से आंकड़ा 900 के पार लगभग 1200 तक जा रहा है, ऐसा दावा है। अभी तक कहा गया है कि 900 आवेदन आ चुके हैं या आ रहे हैं, तो उनका आंकड़ा 900 के आसपास है। जहां एक तरफ लोगों का रुझान आवेदक के तौर पर प्रत्याशी के लिए कि उनका नाम चयनित हो जाए वो लगातार कांग्रेस के पास आ रहा है, उनके प्रभारी के पास आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है। अब पोस्टर वॉर कोई नई नहीं है। कांग्रेस के अंदर पहले हमने देखा था कि पगड़ी वाला एक दंगल दिखाई देता था, अलग अलग कलर की पगड़ियां होती थी, अलग अलग कलर की टोपियां होती थी। वो दौर जब खत्म हुआ तो अब एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर पोस्टर वॉर है, और इस बार दो धड़े दिख रहे हैं। पहले कहा जाता था कि कांग्रेस में कई अलग अलग गुट हैं, लेकिन अब दो धड़े यानी दो गुट दिख रहे हैं। एक हुड्डा और हुड्डा के साथ के जो लोग हैं, वो चाहे प्रभारी हों, वो चाहे प्रदेशाध्यक्ष हों, वो चाहे उनके समर्थक हों, वो चाहे उनसे जुड़े हुए तमाम विधायक जो कि मौजूदा हैं, या फिर वो समर्थक जो कि इस वक्त कैंडिडेट के तौर पर अपनी उम्मीदवारी दावेदारी या समर्थन दे रहे हैं। दूसरी तरफ शैलजा और सुरजेवाला, इनका एक खेमा दिखाई देता है। अब यहां पर उम्मीदवार वर्सेस पोस्टर वॉर में आप देखिए कि है तस्वीर क्या। तस्वीर वहां पर यह दिख रही है कि एक तरफ पार्टी के पास तमाम आवेदक आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पोस्टर वॉर छिड़ा है वो ये है कि जहां पर हुड्डा और उनके समर्थक हैं वहां पर बाकी अन्य की तस्वीर नहीं है, यानी शैलजा सुरजेवाला की नहीं है। लेकिन जहां शैलजा या फिर सुरजेवाला अपनी यात्रा निकालने जा रहे हैं या निकालेंगे, वहां के जो पोस्टर होंगे या हैं उन पर आप देखिए तो वो तस्वीर दिखाई देती है कि वहां पे हुड्डा का चेहरा गायब है। यानी इस वक्त हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की जो स्थिति है वो दो खेमों में बटी हुई दिखाई देती है, और ये अपने आप में अहम तब हो जाता है जब ऊपर से संदेश दिया गया है, राहुल गांधी की तरफ से संदेश दिया गया है कि कोई गुटबाजी यहां पर नहीं होनी चाहिए, कोई इस बार पर्ची खर्ची नहीं चलेगी, कोई यहां पर सिफारिश नहीं चलेगी, जो भी होगा सर्वे के आधार पर होगा। और सर्वे के आधार पर ही लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा था कि विलंब से ही सही लेकिन टिकट का बंटवारा कांग्रेस पार्टी ने किया था, और उसका कहीं ना कहीं सीधा फायदा दिखाई भी दिया। 5 सीटें कांग्रेस बीजेपी से छीनने में कामयाब रही। अब इस वक्त उसी स्ट्रेटजी पर हुड्डा चल रहे हैं, और कह सकते हैं कि शायद आला कमान भी वही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है कि सर्वे कराइए, लगातार आवेदन आते हैं तो उससे पार्टी का एक प्रचार तंत्र मजबूत होता है, उसकी चर्चा तेज होती है, और राजनीति में जब चर्चाएं तेज होती हैं तो उसका परिणाम निकलता है। सकारात्मक नकारात्मक वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर संदेश इसी तरीके से फैलते हैं, प्रचार ऐसे ही होता है, और इसी स्ट्रेटजी पर कांग्रेस जब आगे बढ़ रही है तो वहां पर ये उसका एक महत्वपूर्ण कूटनीति हो सकती है, रणनीति हो सकती है, चुनावी नीति हो सकती है। लेकिन जब शैलजा का खेमा इस तरीके से पोस्टर वॉर करता है तो वहां पर उसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। हो सकता है कि उसका नुकसान शैलजा को हो, सुरजेवाला को हो, उनके समर्थकों को हो, और इसका फायदा उल्टा हुड्डा को मिल जाए और कांग्रेस पार्टी को मिल जाए। ये भी अपने आप में चर्चा का विषय है। बहुत सारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जब उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे हम जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि इस स्ट्रेटजी पर ही हुड्डा अगर आगे चलते हैं तो उनको फायदा मिलना तय है। लेकिन नुकसान करने की क्या मंशा शैलजा की है, सुरजेवाला की है? क्योंकि अगर उनको इस स्ट्रेटजी से अलग हटकर अपने तरीके से चलना है तो वो अपना ही नुकसान करेंगे, और फिर उसका असर कहीं ना कहीं पार्टी पर जब आएगा कि आपने पार्टी को मजबूती दिलाने की बजाय कमजोर करने का प्रयास किया, तो ये उनके लिए नुकसानदेह होगा। अब इन तमाम परिस्थितियों में एक सबसे अहम सवाल यह उठता है कि जब उम्मीदवारों की संख्या या फहरिस्त इतनी लंबी हो चली है तो वहां पर क्या वाकई इस पोस्टर वॉर की जरूरत है, और अगर पोस्टर वॉर हो रहा है तो वहां पर क्या फायदा इसका किसी को मिल पाएगा? अगर सिर्फ पार्टी को डेंट ना पहुंचाकर हुड्डा को डेंट पहुंचाना है, ये मंशा है शैलजा की या सुरजेवाला की या उनके गुट की या उनके समर्थक की, तो शायद उनकी रणनीति कमजोर भी पड़ सकती है। और अगर वो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यात्राएं भी एक होनी चाहिए। अगर यात्रा एक नहीं हो पा रही है तो कम से कम पोस्टर वॉर ना हो, क्योंकि ये गुटबाजी का जिक्र बार बार बीजेपी भी करती है, अलग अलग पार्टियां भी करती हैं, और अब
जब बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस ने अकेले लड़ाई लड़ने का फैसला किया, तो वहां पर संदेश भी जाना चाहिए कि वहां पर हम अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी के तौर पर लड़ रहे हैं, ना कि गुटबाजी के तौर पर। दूसरा कि जब आम आदमी पार्टी भी अकेले चुनाव में है, इनेलो और बसपा का गठबंधन हो चुका है, जेजेपी भी कर रही है कि हम भी अपनी तरफ से अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, वहां पर घोषणाएं जो होती हैं वो कमोबेश कॉमन हो जाती हैं। वो फ्री वाला वादा, वो सारी चीजें जब एक साथ सभी पार्टियों नेताओं को कहते हुए हम सुनते हैं, तो जनता सोचने लगती है कि जब ये भी फ्री देंगे, ये भी फ्री देंगे, ये भी फ्री देंगे, तो हम वोट किसको करें। उसमें अगर कोई दूसरी पार्टी जो कि खासतौर से सत्ता में बैठी है वो अपनी रणनीति पर आगे बढ़ेगी ये कहते हुए कि ये लोग सिर्फ फ्री की घोषणाएं करते हैं, उम्मीदवारी का ढोंग हो रहा है, माहौल इनके यहां पर पार्टी के अंदर बिखरा हुआ है, पोस्टर वॉर चल रहा है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है या उनको इसका फायदा मिल सकता है। बहरहाल ये अलग विषय होगा कि उसमें इस पूरी चर्चा के बाद क्या कोई सकारात्मक परिणाम निकल पाएगा, पार्टी के अंदरूनी जो गुटबाजी का दौर है क्या वो अब समाप्त हो पाएगा, क्योंकि ऊपर का जो संदेश है राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं किसी सिफारिश के पक्ष में नहीं हूं। जो भी कांग्रेस पार्टी का अपना आंतरिक सर्वे होगा, उस सर्वे के आधार पर जो मौजूदा या फिर वो उम्मीदवार जो कि इस वक्त अपना दावा बहुत मजबूती के साथ पेश करेगा, पार्टी उस पर ही विचार करेगी। वो चाहे इस दौर के विधायक हों जिनको फिर से टिकट दिया जाना है या दिया जा सकता है, या फिर कोई नए चेहरे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सीटों पर। अगर इतनी बड़ी उम्मीदवारी हो रही है कांग्रेस के लिए कि हां 10 की संख्या 12 तक जा रही है, यानी 900 से 1200 तक उम्मीदवार हो सकते हैं, तो वहां पर पार्टी के लिए थोड़ा सा चयन करना भी मुश्किल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के गलियारों में यह चर्चा है और आम चर्चा आम लोगों के बीच में शहर कस्बों गांव चौपालों हर जगह पर यह चर्चा हो रही है कि ये अपने आप में एक मजबूत रणनीति हो सकती है पार्टी के लिए, कि माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस के पक्ष में या कांग्रेस के साथ जुड़कर बहुत सारे आवेदक इस वक्त दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और यह कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव के लिए बहुत मजबूत रास्ता होगा। एक रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि आंतरिक हमारी भी जो रिपोर्ट है उसमें 60 सीटों तक जाने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर 60 सीटें या उससे प्लस सीटें कांग्रेस के पास आ जाती हैं तो फिर वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, फिर आला कमान बहुत मजबूत हो जाएगा, प्रदेश स्तर के नेता कमजोर होंगे। लेकिन अभी जो मौजूदा प्राथमिकता है वो यही है कि आवेदक ऐसे ही आते रहें, संख्या ऐसे ही बढ़ती रहे, प्रचार प्रसार का दौर ऐसे ही चलता रहे, ताकि बाकी पार्टियों पर दबाव हो कि उनके पास उम्मीदवार नहीं और हमारे पास झड़ी लगी हुई है, पूरी कतार लगी हुई है। और दूसरा कि जब पोस्टर वॉर होगा तो उससे भी हुड्डा गुट ये दिखाने की कोशिश करेगा कि हम तो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी के ही कुछ नेता जिनका कद बड़ा है पार्टी में, लेकिन वो कांग्रेस को प्रदेश में कमजोर करने का काम कर रहे हैं। बहरहाल ये सारी चीजें चुनावी दौर में चलती रहती हैं, आगे भी बहुत सारे पोस्टर वॉर, बहुत सारे इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देखेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कम से कम इसका पटाक्षेप होगा, या फिर अगर ये रणनीति है तो इसमें और भी धार हमें दिखाई देगी। और फिर चुनाव का दौर आएगा, उसके पहले जब टिकटों का बंटवारा होगा तो वहां से बहुत सारे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं और उसके आधार पर ही फिर जब चुनाव होगा तो परिणाम क्या होता है, कैसा होता है, कौन चूकता है और कौन बाजी मार ले जाता है, ये नतीजे तय करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।